Good afternoon, students. Welcome to online class. Now we start our EBS class. So everyone, students, open your textbook and look at that. देखो, तो यहाँ पे क्या है? अपनी textbook में हमने अपनी last वाली classes तक अपने जो lesson number 67 ये जो lesson था, उसकी explanation finish की थी. उसके साथ साथ हमने week revision भी देखा था. तो अभी हम textbook में जो exercise है, वो अभी हम solve करेंगे, okay? तो देखो. अभी हम पहली एक्सरसाइज में देखते हैं ए में कौन से क्वेश्चन है वो. तो ए में क्या होता है अपने पास, जैसे कि हमने जितने भी लेसन सीखे हैं, आप जानते हैं कि जो भी लेसन हमने पढ़े हैं उन सभी लेसन में एक्सरसाइज में अपने पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही ऑप्शन चुनो और उसको टिक करो एंड उसके साथ साथ ब्लैंक में फिल करो. ओके, तो चलो अभी सब लोग अच्छे से ध्यान देखो. अपने पास कुछ थ्री सेंटेंस है जो इनकम्प्लीट है और उनको हमें फिल करना है किससे, एक सही ऑप्शन से, और उसके साथ साथ जो भी सही ऑप्शन है यहाँ पे उसको हमें टिक भी करना है ना. तो देखो अभी ध्यान दो. देखो पहले वाली सेंटेंस क्या है अपनी, कि वी शुड नॉट प्ले विथ अ. देखो वी शुड नॉट प्ले विथ अ, हमें किसके साथ नहीं खेलना चाहिए, हमें डॉल के साथ खेलना चाहिए क्या? यस. हमें बॉल के साथ खेलना चाहिए क्या? यस. लेकिन हमें निप नाइफ के साथ नहीं खेलना चाहिए. किसके साथ? नाइफ के साथ. क्यों? क्योंकि उससे हमें चोट लग सकती है. नाइफ का मतलब क्या होता है? चाकू, वो तो आपको पता है. तो इसलिए हम इस नाइफ को टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नाइफ. ओके ओके. उसके बाद सेकंड वाला क्या है, कि वी शुड यूज अ ब्लैंक इन द स्विमिंग पूल. तो जब हम स्विमिंग पूल में होते हैं, जब हम स्विमिंग का लेना करने के लिए स्विमिंग पूल में जाते हैं, है ना, तो स्विमिंग पूल में जब हम होते हैं या फिर जब हम जाते हैं तो हमें क्या यूज करना चाहिए? देखिए ऑप्शन, हमें क्रिकेट का बैट लेके जाना चाहिए क्या स्विमिंग पूल में? नो. उसके बाद क्या है, हम बुक्स लेके जाते हैं क्या स्विमिंग पूल में? नो. तो हम क्या लेके जाते हैं स्विमिंग पूल में? स्विमिंग ट्यूब. क्या लेके जाते हैं? स्विमिंग ट्यूब. या फिर लेके जाते हैं का मतलब नहीं कि हम क्या यूज करते हैं स्विमिंग पूल में, हम स्विमिंग ट्यूब यूज करते हैं, है ना. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? स्विमिंग ट्यूब. हो गए कंप्लीट. उसके बाद लास्ट वाले क्या है यहाँ पे, कि द ग्रीन ट्रैफिक लाइट सेज. देखो वैसे जो ग्रीन का मतलब देखो ना, ट्रैफिक में लाइट्स होते हैं, लाइट्स लगे होते हैं ग्रीन कलर के. ओके, तो उनमें से जो ग्रीन कलर का लाइट है वो हमें क्या बताता है, क्या बताता है वो? देखो ऑप्शन, स्टॉप मतलब रुकने को बताता है क्या, या फिर वेट करने को बोलता है क्या? नहीं. तो ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या होता है? ग्रीन लाइट का मतलब होता है गो, यानी कि जाओ. ओके, हो गए कंप्लीट. अभी हम अच्छे से एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे जो अभी हमने कंप्लीट किए. जैसे कि फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या है अपना, वी शुड नॉट प्ले विद अ नाइफ. ओके, एंड देन सेकंड सेंटेंस क्या है अपना, वी शुड यूज अ स्विमिंग ट्यूब इन द स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल में हमें स्विमिंग ट्यूब का ही इस्तेमाल करना चाहिए. एंड देन लास्ट थिंग क्या है यहाँ पे, द ग्रीन ट्रैफिक लाइट सेज गो. समझ में आया आपको? तो जो भी सेंटेंसेस हमने कंप्लीट किए हैं या फिर टिक किए हैं वो सभी